नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पिता द्वारा बहुपोती पुत्र को घर से निकाला, दर दर भटक रहे हैं, अब तक नहीं मिला न्याय। उत्तर प्रदेश में बलिया के ग्राम चकफूल पोस्ट बड़सारी थाना मनिया निवासी जुबेर खान पत्नी अंबिया खातून, उनके दो मासूम बच्चे पिता सफी उल्ला खान, भाई जुनैद खान व मेरी बहन शादीशुदा हुस्न आरा व समी आरा चारों लोग गोल बनाकर मुझे और मेरे पत्नी और मासूम बच्चों को घर से निकाल दिए हैं। जो दर दर की ठोकरी अपने परिवार के साथ खा रहा हूं, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी बलिया, पुलिस अधीक्षक बलिया, सीओ बांसडी, थाना अध्यक्ष मनियर को दी है। पुलिस द्वारा मुझे घर में रखवा दिया गया, लेकिन पिताजी ने परिवार और मुझे और बच्चों को प्रताड़ित करते हुए घर से बाहर किए, जिसकी शिकायत मैंने स्वयं थाना अध्यक्ष को दी है, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार और बच्चों को लेकर मैं कहां जाऊं, किसके यहां रहूं, दर दर की ठोकरी कब तक खाता रहूंगा, कब मिलेगा न्याय हम गरीब परिवारों को। आइए सुनते हैं पति और पत्नी की जुबानी। कौन बानो? अंबिया बानो। अंबिया बानो, आपके पति का क्या नाम है? कहाँ आपकी शादी हुई है? चकफूल चकी है। कौन थाना है? आपका मायके कहाँ है? बसंत। आज क्या परेशानी है जो आप कलेक्ट्रेट सभागार में आप दिखाई दे रही हैं? ये परेशानी है कि जब से मेरी शादी हुई है 2012 में से, जब मैं शादी करा के गई तो ससुर सास ननद देवर सब लोग पढ़ाए थे, उन्होंने बोले दहेज लेकर आओ। दहेज जो कमी हुआ तो हमको घर से बाहर निकाल दिए। जब मैं बाहर से आई तो न्यायालय में गई तो आदमी मेरे रख लिए, तो फिर हमको भगा रहे हैं ससुराल जाने पर, बोल रहे हैं कि तुम रख लिए तो लेकर जहाँ मन से वहाँ रहो, घर में रहने नहीं दे रहे हैं। मैं एडीएम साहब के पास, थाने पे, बलिया जिला अधिकारी के पास, हर जगह गई, फिर वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको कहीं से न्याय नहीं मिला? आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे दो बच्चे हैं मेरे। आप इस समय कहाँ रह रहे हैं? इस समय मैं मायके में हूँ। अरे दर दर की ठोकरें खा रही हैं आप, इस दरवाजे को, उस दरवाजे को अपना गुजर बसर कर रही हैं? जी यही है ना खाना आपका? हाँ, इस दरवाजे को उस दरवाजे जा रही हूँ, मेरे बच्चे भी भटक रहे हैं, और मैं अपने दवा के लिए बलिया आई थी, शुगर का पेशेंट भी हूँ, तो सब सामान मेरे उसी में है, दवा वगैरह सब सब कुछ उसी में है। मैंने आपको दवा भी रुक नहीं दे लेने दवा दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कौन है, ससुर है कि आपके मतलब? ससुर है, ननद है, देवर है, सब लोग हैं। ये सभी लोग आपको प्रताड़ना कर रहे हैं? ताला लगा दिए हैं मेरे रूम में, ताला लगा दिए हैं, और जब मैं गई ताला तोड़ने तो डंडा लेकर खड़े हो गए, मारने लगे, सब बोल रहे हैं कि इसमें घुसने नहीं देंगे, तुम्हारा घर है नहीं। आदमी जो है मेरा मकान बनाए हैं, ससुर का पुराना मकान भी है। क्या वो मकान पुश्तैनी है कि खरीदी हुई जमीन की है? वो पुश्तैनी दादा की है जमीन। आपके पति क्या करते हैं? पति मेरे पहले विदेश रहते थे। अच्छा। और फिर बाद में आपको नया मकान बनाए, उसी में मैं रहती हूँ, तो उसमें रहने नहीं। अच्छा, वो उसी मकान से आपको बेदखल किया जा रहा है? जी, तो वहाँ जा बच्चे लेकर। आपके पति कहाँ है? पति अभी मेरे साथ में है। कौन है? क्या आपका नाम है? जुबेर जी, आपके पत्नी जो है अपनी पीड़ा कह रही है कि जब से मैं शादी करके वहाँ गई, तब से जो है मेरे ससुर और देवर जो है प्रताड़ना करते हैं, क्या बात है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि शादी के टाइम थोड़ा कमी हो गया था दहेज में। दहेज में हमारे से भी बार बार जो है बाप बोल रहे थे कि दहेज का कमी है, ये है, वो है, जा कर के ले कर के आता नहीं है, नहीं लाता है, कुछ नहीं करता है, तो वही मतलब कि प्रताड़ित बार बार कर रहे हैं इसे। मैंने आज भी आपके पिताजी जो है, आज भी आपके पिताजी जो है दहेज उत्पीड़न करते आ रहे हैं। क्यों, उस समय शादी में आपको दहेज कम मिला था क्या? नहीं, वही थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन फिर भी जो है सब कुछ मिला था, LCD नहीं मिल पाया था और साइकिल है, इसीलिए जो है वो जो है बार बार जो है ऐसा कर रहे थे, बोल रहे हैं कि अपना बीवी को जो है तलाक दे देते हैं। लेकिन मैं जो है जब यहाँ पर जो है मुकदमा चल रहा था, इनका दहेज उत्पीड़न का डरा हुआ था मायके के तरफ से, मैं उस टाइम जो है न्यायालय के तरफ से जो है मैं बोल दिया कि बीवी को रखने के लिए मैं तैयार हूँ, तो उसी तरफ जो है बाप जो है मेरा बार बार बोल रहे हैं कि तब तुम तैयार है तो मैं इस घर में नहीं रहने देगा बीवी को, तुम्हारे अपना बीवी को बाहर लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, लेकिन घर में नहीं रहने देगा, और घर बनाया हुआ मेरा ही है, मेरा ही पैसा लगा हुआ है, सब कुछ कमा करके। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब अभी घर पर रहते हैं। कोई सर्विस करते हैं या कोई काम करते हैं? पहले से भी नहीं है, खुद मैं कमा करके जो है 2007 से ही मैं कमा रहा हूँ, बहन का भी शादी किया हूँ, छिकौनी में मैं ही किया हूँ, और कमा करके दिया हूँ, तो घर भी बनाए मेरा ही पैसा से, और अपना भी शादी किया हूँ पैसा से।
द्वारा बनाया गया है, कहाँ से पैसा लाए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो झूठ बोल रहे हैं, पंच के सामने जो है बोला गया, लेकिन पंचायत भी हुआ है उसमें जो है बोला गया कि चल करके मस्जिद में क्लियर कदम खा लो, लेकिन वो जो है इंसाफी भर जो है वहाँ पर बात नहीं सुने, उठ करके चले गए पंचायत के सामने भी। मैंने आप अपनी फरियाद लेकर के अधिकारियों के यहाँ दर्दक की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई आपको कैसे न्याय नहीं मिला? नहीं मिला, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक जो कोई इंसाफ नहीं मिला, वही बीवी का मैं रख लिया, उसके लिए जो है वो जो है जलन है उनका, बाप का। मैंने बीवी को रख लेना ही बाप का, हाँ जलन हो गया। हाँ वहीं से जो है हमारा बिछड़ हो गया, बस जिंदगी का मोड़ जो है बदली हो गया है वहाँ से। और वो नहीं चाहता है कि मतलब बीवी को रखे, बार बार बोल रहे हैं तलाक दे दो, लेकिन मेरा दो दो बच्चे हैं, अभी कैसे मैं तलाक दूँ? ज़िंदगी में कुछ देखना भी पड़ता है, आज इससे भी देखो तो अच्छा नहीं है, बच्चे लोग को छोड़ देते हैं सर। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।